पाकिस्तानी अवाम आज यौम आज़ादी की तकरीबात में मशगूल हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी अपनी ड्यूटियों में मशगूल। फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने भी आज अवाम के साथ मिलकर जश्न आज़ादी की तैयारियां की हैं। फैसलाबाद ट्रैफिक वार्डन पुलिस ने शहर के सबसे मशहूर चौक में एक कैंप लगाया जिसमें ट्रैफिक वार्डन पुलिस के सैकड़ों अफराद की शिरकत के अलावा लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। ट्रैफिक कवानीन से लोगों को आगाह किया गया और बच्चों में तहाइब के साथ साथ शौरी मुहिम को भी उजागर किया गया। इस मौके पर DSP ट्रैफिक वार्डन पुलिस असदुर रहमान ने न्यूज़ वन से खसूसी गुफ्तगू भी की। आइए देखते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मशहूर तरीन चौक कोहिनूर चौक में, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की अवेयरनेस के लिए जश्न आज़ादी के हवाले से एक कैंप लगाया है और इसका मकसद लोगों को जो ट्रैफिक कवानीन है उन पे अमल करने के हवाले से। पूरे फैसलाबाद में जोश व खरोश पाया जा रहा है और मैं न्यूज़ वन के नाज़रीन को ये भी बता दूं कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहां पे इस किस्म की एक्टिविटीज़, इस किस्म की तकरीबात बहुत ज़्यादा होती हैं। इंतज़ामिया हमारे साथ है, हम उनसे पूछते हैं कि आज के कैंप के हवाले से उन्होंने क्या इकदाम किए हैं और इसका मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक हो और सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐलान फैसलाबाद को भी बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमने आज ये कैंप कौमी यकजहती के लिए, जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए लगाया हुआ है और इसमें हम छोटे छोटे गिफ्ट जो हैं वो बच्चों को और दूसरे रोड यूज़र जो हैं उनको तकसीम कर रहे हैं। तो इस बात की याद दिलाने के लिए कि यह पाकिस्तान हमारा है, हमने इसके हर निज़ाम को ठीक रखना है, ट्रैफिक को ठीक रखना है, रूल्स और रेगुलेशन को ठीक रखना है और तमाम जो कवानीन हैं उन पर अमल करते हुए इस मुल्क को खूबसूरत तरीन मुल्क बनाना है।